जी व्यूअर्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए रेडमी 10 नोट 10 के लिए आपके लिए लेके आए हैं कैमरा का रिव्यू। इसमें हम कुछ फोटोज़ लेंगे, कुछ वीडियोस लेंगे, कुछ ब्लॉग बनाएंगे और इसकी सेल्फी लेंगे, देखेंगे हम इसके कैमरे पर टेस्टिंग करेंगे और इसके जो फीचर्स हैं इसमें दिए हैं रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है मार्केट में, इसके बारे में हम सारी ओपिनियंस देंगे, अपना भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और कुछ रिव्यू टेस्ट करके आपको बताएंगे। अगर आप इसकी फुल अनबॉक्सिंग देखना चाह रहे हो, ऊपर आई बटन दिया हुआ है, वहाँ पे लिंक है जहाँ पे आप जाके इसकी फुल अनबॉक्सिंग देख सकते हैं और दूसरे अदर जो भी ऑप्शन है वो देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, हम अब इसको आपको पहले कुछ रिव्यू बता दें, कुछ इसका जो मेन कैमरा है वो कितना, वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके साथ दो लेंस लगे हुए हैं जो कि 2 मेगापिक्सल का है एक, और दूसरा 2 मैक्रो, एक मैक्रो एक डेप्थ लगा हुआ है लेंस। मैं आपको बता दूं, इसके साथ इसके और एलईडी लाइट लगी हुई है और जो कि डबल एलईडी लाइट है, जाके रोशनी काफ़ी होती है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल है। अब हम इसके कुछ सेल्फी सैंपल्स लेते हैं, मैं यहीं पे सेल्फी ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे मोबाइल का इसका कैमरा ऑन कर लिया है और मैं फ्रंट कैमरे पे इसी कंडीशन में आपके सामने है, मैं एक सेल्फी बनाने लगा हूं और इसका जो फोटोज है मैं आगे लगा दूंगा। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैंने एक सेल्फी ली है और कुछ हम एक पोर्ट्रेट फीड इसकी फोटोज बनाते हैं जो तो बैकग्राउंड बर्ड्स होता है उसका, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, क्या क्वालिटी निकलती है। अभी हम उसका सैंपल करके देखते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने 2 सेल्फीज बनाई हैं विद आउट, यानी कि सिंपल इसकी सेल्फीज जो मैंने लगा दी हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे वो 2 सेल्फी कैसी आई हैं। और जो मेरा ओपिनियंस है, मैंने देखा है यार, इस प्राइस के बजट के हिसाब से इस कैमरे का जो फ्रंट कैमरा है उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर देखा जाए तो हम 8 मेगापिक्सल एक्सेप्ट करते हैं, ये एक बहुत छोटा कैमरा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो 13 मेगापिक्सल से भी बड़ा ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी में इसने पिक किया है, तो हम इसे नंबर दे सकते हैं। हाँ, देखने में 8 मेगापिक्सल काफ़ी छोटा फिगर है आजकल के वक्त में दौड़ की चलती हुई दूसरी मोबाइलों की दौड़ के मुकाबिक, लेकिन फिर भी हम एग्री करते हैं कि इसकी जो रिजल्ट है, इसका परफॉर्मेंस उसका बहुत बेहतर है। उस हिसाब से हम एग्री करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस ठीक होने की वजह से कि हम इसका एप्रिशिएट कर सकते हैं कि इसका कैमरा, सेल्फी कैमरा, बाकी जो कंपनीज मॉडल दे रही हैं इस बजट में उनसे बेटर है। तो व्यूअर्स, हम इसके जो फ्रंट कैमरे की एक वीडियो बनाते हैं और हम उसकी वीडियो भी आपको दिखा दें, ताकि आपको वीडियो से भी अंदाजा हो सके कि क्या परफॉर्मेंस निकल के आने वाली है। जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त जो हमारा फोन है नोट 10 के जो सेल्फी कैमरा है 8 मेगापिक्सल, उससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं साथ साथ फोकस कर रहा हूँ। ये किस तरह फोकस कर रहा व्यूअर्स, व्यूअर्स मेरे देखने के मुकाबले जो चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ 8 मेगापिक्सल से, मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि इतने ब्यूटीफुल बैकग्राउंड पे कलर और इतना, यानी कि मेरा कलर बहुत बेहतरीन और ब्यूटी मूड में आ रहा है। एग्जैक्टली मैंने 8 मेगापिक्सल में कभी इतना रिजल्ट नहीं देखा। मुझे इसका जो रिजल्ट है पर्सनली बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया, और इसका वीडियो का रिजल्ट मुझे बहुत बेटर लगा। आप किस तरह देखते हैं, आपको ये किस तरह लगता है, मुझे आपने इसका कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपकी राय क्या है। जी व्यूअर्स, तो फाइनली हमने आपको जो इसका सेल्फी कैमरा, उससे वीडियोस और अपना एक्सपीरियंस और उसकी जो सेल्फीज आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब हम जाएंगे इसका रियल जो मेन कैमरा उसकी तरफ। उससे पहले मैं आपको कुछ इसके फ्यूचर दिखाता जाऊं, ताकि आपको इसके जो फ्यूचर्स हैं वो भी आप देख लें, क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन है, क्या क्या चीज़ है। आइए मैं आपको इससे ये दिखाता हूँ ऑप्शन इसके अंदर क्या क्या फ्यूचर दिए गए हैं। मोबाइल पूरा होना चाहिए। जी व्यूअर्स, फाइनली हम अपने डिवाइस के अंदर आ चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके कैमरे मेन की तरफ जाते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो होता है इसकी टाइमिंग होती है उसके हिसाब से दिया गया है, और इसका उस अगला ऑप्शन हमें वीडियो के हिसाब से दिया गया है, उसके अगला फोटोज़ में, उसका अगला पोर्ट्रेट फोटोज में, देन मोर, मोर में हमारे पास आता था नाइट मोड, अगर आप नाइट मोड में बनाना चाह रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास आया लगता है 48 मेगापिक्सल कैमरा, यानी कि आप नॉर्मली 48 पे ऑपरेट नहीं हो रहे होते। अगर आपको 48 जाना है तो आपको सेटिंग में जाके यहाँ पे 48 पे सिलेक्ट करना होगा, तभी ही आप 48 में कर रहे होते हैं।
ओके अगर भाई साहब एक नॉर्मल कैमरा ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ना कि 48 मेगापिक्सल कैमरा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके बाद आपके पास स्लोमो का ऑप्शन आ जाता है, आप स्लोमो वीडियो बना सकते हैं। हम भी आपको स्लोमो वीडियो बना के उसका भी रिजल्ट बताएंगे आपको कैसा रहे रिस्पॉन्स। बाकी मोर भी तन छोटे छोटे ऑप्शन दिए गए हैं जिसे आप इस्तेमाल करते हुए इंटरटेनमेंट कर सकते हैं व्यूअर्स। तो इसके ये फ्यूचर्स हैं और हमारे पास जो आ रहे हैं, और बाकी इसके अलावा कुछ खास नहीं है और कोई इतनी एक्टिविटी नहीं है हमारे पास। सिंपल ये आपके पास नाइट मोड 48 मेगापिक्सल है, उन्होंने विद जिनके उनके जो ऑप्शन हैं उनके साथ दे दिया, आप कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स हम इसकी फाइनली जो इसकी मोर सेटिंग है वहाँ पे जाते हैं, ऊपर की तरफ उन्होंने हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसके ऑप्शन की मदद से हम अपना इसको 3G, 5G एंड 10G तक अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके फुल साइज लेना है, कितना साइज लेना है। अगर हम फुल पे करेंगे तो हमारा कैमरा फुल मोबाइल की तरह हो जाएगा, ये देखें इस तरह लगेगा कि आपका फुल व्यू है, फोटो वीडियो बना सकते हैं फुल में। आगे मोर सेटिंग में अगर आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी सेटिंग है, सेटिंग में आप मोर इसके जो मार्क इस्तेमाल करना, जो आम नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं इसमें वही सेटिंग दिखाई गई है। और इसके अलावा आप अपनी मर्जी से HDR वीडियो बनाना चाह रहे हैं या HD 180p तक वीडियो बनाना चाह रहे हैं, या जैसा आपका आप पे डिपेंड है आप उसी हिसाब से वीडियो बना सकते हैं। जी व्यूअर्स, हमने आपको कैमरे के जो ओवरऑल फ्यूचर्स हैं हमने तमाम आपको बता दिए हैं, वो फ्यूचर्स हमने मिस कर दिए हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हैं वही आपको हमने बताए हैं। बाकी होती है जिस तरह आप सर पे फेस पे ऐनक आ गया, एक्सा दाढ़ी मूछें हैं जी, इस तरह के जो होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, हमने उसका रिव्यू नहीं दिया। और उसके अलावा हम आपको अब इसकी जो बैक कैमरा उसे दो फोटोज क्लिक करेंगे, कुछ फोटोज क्लिक करेंगे और उसके बाद उससे कुछ पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद स्लोमो वीडियो और फिर फुल वीडियो। प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस वीडियो, अब हम कंटिन्यूज करते हैं और आपको दिखाते हैं उसके सैंपल। वक्त हम बाहर हैं और मैंने फुल इसके मेगापिक्सल के साइज देख के फुल इसकी सेटिंग करके फुल इसका जो है मेगापिक्सल करके मैंने इस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो इसकी 4K सबसे HD क्वालिटी है उस क्वालिटी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं ये वीडियो आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक सामने हमारे एक बंदा खड़ा, हम उसको फोकस करके देखते हैं कि हमारे पास कितनी जूमिंग आ रही है इस वक्त। वाव क्या जूमिंग है हमारी हमारी इस वक्त जो वीडियो में आ रही है, ये जूमिंग आपको हमने दिखा दी है 4x तक, 6x तक आ रही है, वैसे नॉर्मल ये 10x तक पिक्चर पे कर लेता है। और हम जो वीडियो ये आपको सामने से सूरज आ रहा है, अभी सामने से सूरज है, हम सूरज की बना के आपको दिखा देते हैं कि उसकी किस तरह ये पिक कर रहा है उसका, बहुत अच्छा कर रहा है मेरे देखने में तो बहुत प्यारा कर रहा है। और ये मैं कुछ फ़ोटोज़ बना के आपको मैंने फोकस करके दिखा दी हैं, जो कि ये देखें आपको दिखा रहे हैं हम जूम करके, ये इसके कलर का कंट्रास्ट देख लें कि हमारे पास कलर क्या चीज़ आ रही है। ये देखें हमने आपको मुकम्मल वीडियो रिव्यू करके कलर में इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ताकि हर चीज़ की आपको समझ आ जाए। ये सरसब्ज़ दरख्त की हम बना रहे हैं ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाए। मैं मज़ीद इसके नज़दीक करके जाके इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग करता हूँ। जी व्यूअर्स, हम मैक्रो जो इस है उसको हम लेते हुए इसको रिव्यू करके हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं इस वक्त, जो हमारे पास ये टेस्टिंग आ रही है आपके सामने व्यूअर, हम पूरा जूम करके इसको फोकस लगा रहे हैं इस वक्त, ये हमें बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी जूमिंग दे रहा है और हमें एक एक चीज़ दिखा रहा है जो वैसे नज़र नहीं आ सकती और मोबाइल में हमारे पास आ रहा है, बहुत अच्छी जूमिंग कर रहा है। बाकी ओवर आप आपके सामने है, ये हम इसकी मुकम्मल कर रहे हैं आपके सामने और मुकम्मल दिखा रहे हैं आपको इसकी, और ये देखें और हमारे पास ये जो है इस कैमरे की हम मुकम्मल रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, ये देखें। मैंने इसका वीडियोस भी टेस्टिंग आपको दिखा दी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियोस भी रिकॉर्डिंग दिखा दी हैं, कुछ फ़ोटो सैंपल भी दिखा दिए हैं, सेल्फी भी सेल्फी फ़ोटोज़ भी दिखा दी हैं मैंने, तमाम चीज़ें एक एक करके मैंने रिव्यू दिखा दी हैं। मेरा जो ओपिनियंस है कि इस मोबाइल की जो इस प्राइस के हिसाब से दूसरी कंपनियों को देखते हुए, हम जैसा कि वीवो, ओप्पो, सैमसंग,
उस हिसाब को देखते हुए ये डिवाइस बेहतर है उन सब से इस प्राइस बजट में, या हम किसी और की तरफ जाते हैं? जिस तरह फाइव इस वक्त Y31 आया वो भी इसी प्राइस में है, और वीवो का, और इसी तरह ओप्पो का जिस तरह मॉडल आए हुए हैं A52 वगैरह वो भी इसी प्राइस में, लेकिन ये उनसे सबसे बढ़ के है, जी हाँ, मोबाइल, और इसके प्राइस भी कम है व्यूअर्स। और आपको क्या चाहिए? जो मेरा ओपिनियंस है ये है, और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? इस कैमरे में सारी चीज़ें देखने के बाद आप अपनी क्या राय रखते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एक बात दूसरी, हम गिवे लेके आ रहे हैं, हम जो बंदा हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकॉन प्रेस करेगा, और हमारे इस Facebook पेज को लाइक करेगा, और उसकी बेल आइकॉन प्रेस करेगा, और हमें TikTok में जाके ज्वाइन करेगा, तो हम उसको कुरानाजी में शामिल कर लेंगे। हम हर माह में एक गिवे दे रहे हैं, हो सकता है वो लकी ड्रॉ में गिवे आप हों, जल्दी से ये कर लीजिएगा। अपने हो साजिद महमूद, इजाजत, अगली वीडियो में मिल गए। और मैं एक चीज़ और बताता जाऊँ, ये वीडियो कंसिडर कीजिए या पाकटेल डॉक पीके की तरफ से, जहाँ पे आप जाके मोबाइल के एसेसरी जैसे कि ओरिजिनल चार्जर, अडाप्टर, रिंग लाइटें, फ्लैशें, और आप आईफोन की तमाम एसेसरीज, एयरबड्स, एयरबैड्स, ऐसी चीज़ें तमाम, और टिकटॉक की तमाम चीज़ें आप वहाँ पे जाके चीप प्राइस में, बजट चीप प्राइस में बाय कर सकते हैं। और साथ नीचे लिंक के साथ एक प्रोमो कोड दिया हुआ है, अगर आप नीचे लिंक को फॉलो करते हुए साथ प्रोमो कोड को कॉपी करके लेके जाएंगे, आपको जी हाँ 5% की डिस्काउंट भी मिलेगी, और आपको उसके साथ शिपमेंट भी फ्री मिलेगा। यार और क्या चाहिए, अभी लूट लो बाजार। ओके, अगली वीडियो तक इजाजत है, अपने उस आज में बहुत जल्दी आएंगे। गुड बाय।